ये जो एक गैंग वार 84 पिक्चर का आज शुरुआत हुई है, मैं इनके सभी कलाकारों को, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, सभी को मुबारकबाद देता हूँ। डोगरी 8th शेड्यूल में तो बड़ी पहले से आ गई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, लेकिन मुझे लगता है कि उसको कहीं ना कहीं प्रमोट करने में कुछ कमी रही। अच्छी शुरुआत है, क्योंकि पहले जो हुक्मरान रहे डोगरी के प्रति, जितना उनका बैकअप होना चाहिए था कहीं ना कहीं कमी रही। मैं इन सभी को मुबारकबाद देता हूँ। एक शुरुआत जो आपने की है, इससे हमारे लोकल कलाकारों को, उनके जो टैलेंट को एक बल मिलेगा, उभर कर के सामने आएंगे। कोई भी प्रदेश हो, वहाँ पर अपनी भाषा और अपना कल्चर उसको डेवलप किया जाता है। जम्मू में हालात ठीक ना होने के कारण से शायद इन सभी चीज़ों पर ध्यान ना दिया गया। आज यदि कमल चैन फिर से यहाँ पर आया है, और उम्मीद करनी चाहिए कि जल्द ही जो हमारी भाषा की भी प्रमोशन होगी, हमारे कल्चर की प्रमोशन होगी, टैलेंट की जम्मू कश्मीर में कहीं कमी नहीं है। तो श्रीमान राजेश जी, श्री पुरुषोत्तम जी, आज हमारे मध्य में हमारे जम्मू शहर के मेयर श्रीमान चंद्रमोहन गुप्ता जी भी हैं, राजू जी हैं और बलबीर सिंह जी हैं। तो मैं इन सभी को, जो इन्होंने एक शुरुआत की है, उन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। भाई पुरुषोत्तम जी, राजू जी, और इसको जो डायरेक्ट कर रहे हैं राजेश राजा जी, वो भी बेसिकली जम्मू के ही हैं, लेकिन लुधियाना बेस्ड हैं। आजकल काफ़ी अच्छा इसमें काम करते हैं इंडस्ट्री के अंदर, और इन्होंने जो निर्णय लिया, बलबीर सिंह जी हमारे साथ हैं, कि बहुत अच्छी बात है। जो जम्मू के हमारे नौजवान कलाकार हैं, उनको भी एक मौका मिलेगा कि अपना टैलेंट जो उनमें है, प्रतिभा है, उसको बता सकें। तो बड़ी डोगरी फिल्में पहले भी एक दो तीन चार बड़ी हैं, लेकिन ये जो जैसे माननीय कविंदर जी ने कहा है कि डोगरी 8th शेड्यूल आने के बाद इसको जितना प्रमोट करना चाहिए उतना प्रमोट नहीं हो सके। मुझे लगता है कि अब दिन बदले गए हैं। 370-35 हटने के बाद पूरा देश, पूरी फिल्म इंडस्ट्री, जो आज से कई दशक पहले पूरे कश्मीर के बिना कोई फिल्म नहीं बनती थी, जम्मू कश्मीर के बिना, आने वाले समय में ये जो डोगरी का आगाज जहाँ हुआ है, शायद ये फिल्म बाद में पंजाबी में भी कन्वर्ट हो, इसी तरह आने वाले समय में हमारे कलाकारों को मौका मिले। हर कलाकार को, लगभग 70 कलाकार इसमें भाग लेंगे, उनका ऑडिशन होगा, और 2.25 घंटे हर को काम करने का मौका मिलेगा। आने वाले समय में मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे और लोग भी आगे आएँ, जिस तरह हॉलीवुड, बॉलीवुड है, जम्मू के अंदर भी एक फिल्म स्थान ऐसा कोई ना कोई स्थान होना चाहिए, ताकि सब कलाकारों को मौका मिले।